Hello, good morning. Tuesday, 20 July 2021. And we are going to learn fourth lesson from your textbook Beehive. The name of the lesson is A Truly Beautiful Mind. A Truly Beautiful Mind. एक वास्तव में सुंदर और स्वस्थ मस्तिष्क की कहानी है. The story is about Albert Einstein. Some say Einstein, but both are correct. The story is about Albert Einstein from his childhood to the adultness. He was a German scientist. And in this chapter we were going to talk about his experiments and invention, the theory of relativity. So let's begin the chapter. Before you read, पढ़ने से पहले आपको क्या देखना है एक बार थोड़ा फोकस कर लेते हैं. Who do you think of when you hear the word genius? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? जब आप genius शब्द सुनते हो तो आप सबसे पहले किसके बारे में सोचने लगते हो? जीनियस कौन होता है और आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से आप क्या सोचते हैं कि जीनियस बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है? जीनियस मतलब विद्वान, टैलेंटेड पर्सन. वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाई स्टॉर्म अबाउट 100 years अगो. आज हम एक ऐसे जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में बात करेंगे जिसने कम ही उम्र में, आज से करीब सैकड़ों साल पहले, अपने आविष्कार से इस दुनिया को हिला कर रख दिया. इन द समर ऑफ 1905 द 26-year-old पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स अबाउट लाइट, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी. 1905 की समर में एक 26-year-old एक नौजवान ने अपने 4 पेपर्स पब्लिश कराए, सिर्फ 4 पेपर. और पेपर्स कैसे थे? ग्राउंड ब्रेकिंग, यानी बहुत ही अचंभित कर देने वाले, एकदम शॉकिंग, एकदम चौंका देने वाले, ग्राउंड ब्रेकिंग. और 4 पेपर पब्लिश कराए, वो किसके बारे में थे? अबाउट लाइट यानी प्रकाश के बारे में, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी गति, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज यानी गति के बारे में, प्रकाश के बारे में और एनर्जी के बारे में. इन 3 चीज़ों की आपस में रिलेटिविटी, इन 3 चीज़ों का संबंध के बारे में उस 26 साल के नौजवान ने 1905 की गर्मियों के दिन में 4 पेपर वहाँ के न्यूज़पेपर्स में पब्लिश कराए. हीज़ वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स बट चेंज्ड forever our understanding of space, time and the entire cosmos and transformed the name Einstein into a synonym for genius. Us naujawan ke sirf kuch hi paper, his work took up only a few papers. Uske karya jo usne kiya tha wo sirf kuch hi paper par publish ho gaya, yani zyada lamba kaam usne nahi kiya tha. Sirf jab wah publish hua to sirf kuch hi papers mein wah chhap gaya, aa gaya. ज़्यादा लंबा काम तो नहीं था, एक डेढ़ पेज पर वो सारा जो है इसका आ गया. लेकिन उसके इस पेजेस ने हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी स्पेस को लेकर, टाइम को लेकर और इस पूरे कॉस्मोस, इस पूरे ब्रह्मांड को लेकर, वो उसने हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म कर दी, बदल दी. हमारी जो सोच थी इस ब्रह्मांड को लेकर, टाइम और स्पेस को लेकर, उसके इस छोटे से लेख ने हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया उसके इन पेपर्स ने. और फिर आइंस्टीन का नाम जीनियस में आने लग गया. 50 years आफ्टर हिज डेथ अल्बर्ट आइंस्टाइन्स जीनियस स्टिल रेन्स. आज उसकी उम्र के 50 साल बाद तक आज भी वो जीनियस रेन करता है, राज करता है. यानी अब तो
जब यह लेख लिखा गया, जब यह छपा, तो उसकी मौत को 50 साल हो गए थे, और मौत के 50 साल बाद तक भी यह शब्द जीनियस उसके नाम से जुड़ा रहा और चलता रहा आज तक। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ अल्म, विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मन के एक उल्म नाम के शहर में हुआ था, और उस टाइम उसने किसी भी तरह का ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया कि उसका जन्म एक महानता के लिए, एक ग्रेटनेस के लिए हुआ है, कि उसकी जो डेस्टिनी है, जो उसकी किस्मत में महान होना लिखा है या नहीं, इस तरह के कोई भी इंडिकेशन उसने नहीं दिए, कोई भी संकेत नहीं दिए, कोई देखकर नहीं बता सकता था कि ये बच्चा इतना महान होने वाला है। ऑन द कंट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक, और इसके विपरीत उसकी माता सोचती थी कि अल्बर्ट यानी मेरा बेटा आइंस्टीन एक फ्रीक है। फ्रीक मीन्स, इधर देख लेते हैं, ए वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज अनयूजुअल एंड डजंट बिहेव लुक और थिंक लाइक अदर्स। सबसे असामान्य एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की तरह ना तो बिहेव करता हो, ना देखता हो और ना सोचता हो, सबसे अलग। तो माता समझती थी कि मेरा बेटा सबसे अलग है। टू हर हिज हेयर सीम्ड मच टू लार्ज, उसकी माता के लिए यानी टू हर हिज हेयर यानी आइंस्टीन का सिर बहुत बड़ा लगता था। आइंस्टीन का सिर बहुत बड़ा था उनके शरीर के अनुपात के हिसाब से, जब वे छोटे बच्चे थे तो उनका सिर उनके शरीर के हिसाब से बहुत बड़ा दिखता था, बड़े होकर भी दिखता था लेकिन बचपन में बहुत ज़्यादा फील होता था। और उसकी माता समझती थी कि मेरा बेटा कुछ असामान्य है, सबसे अलग है। सेकंड, एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वाजंट टॉकिंग। आइंस्टीन 2.5 साल के हो गए लेकिन आज तक भी उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया था। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. जब उन्होंने फाइनली बोलना सीखा तो वे हर बात को दो बार अटर करते थे, दो बार बोलते थे, दो बार कहा करते थे। Twice मैंने, twice means दो बार, जैसे once एक बार, twice two times, and thrice three times, and four times five times and so on. तो यहाँ twice का जिक्र है, यानी दो बार हर बात को दोहराते थे। आइंस्टीन डिड नॉट नो वॉट टू डू विद अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, सो द यंगस्टर प्लेड बाई हिमसेल्फ, प्लेड बाई हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। तो क्या कह रहे हैं कि आइंस्टीन नहीं जानते थे, डिड नॉट नो कि वॉट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है, किस तरह से बिहेवियर करना है। और उसके जो प्लेमेट्स थे, ये मेट जो है ये ऐसा शब्द है ये जिसके भी बाद में लग जाता है तो समझ ले, मेट का मतलब होता है साथी, संगी, साथ देने वाला। जैसे प्लेमेट है तो जो आपके साथ खेलने वाले साथी हैं उनको प्लेमेट कहते हैं, क्लासमेट है जो क्लास में पढ़ने वाले हैं उनको क्लासमेट कहते हैं, रूममेट है जो एक ही रूम में साथ रहते हैं उसको रूममेट कहते हैं, स्कूलमेट है, स्कूलमेट जो आपके साथ एक ही स्कूल में पढ़ता हो उसे स्कूलमेट कहते हैं, और अगर एक ही क्लास में पढ़ता हो उसको क्लासमेट। तो बस आप समझ जाइएगा, ये जहाँ मेट लगेगा तो मेट का मतलब साथी, ये हमेशा किसी नाउन के बाद लग जाता है और आप समझ जाइएगा उसी का साथी है। तो उसके जो प्लेमेट्स थे, उसके साथ खेलने वाले थे, वो उसको हमेशा ब्रदर बोरिंग कहकर पुकारते थे, ब्रदर बोरिंग यानी बोर करने वाला भाई, आ जाओ भैया बोर करने वाले आ जाओ, ऐसा कहकर उनको चिढ़ाते थे, क्योंकि वो जानते नहीं थे कि किस तरह से व्यवहार करना है, किसके साथ क्या बोलना है, क्या बात करनी है, कैसे खेलना है, बस हमेशा चुपचाप रहते थे। तो दूसरे व्यक्ति हमेशा उनसे बोर हो जाते थे, इसलिए उनको उनके साथ के बच्चे ब्रदर बोरिंग के नाम से बुलाया करते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाई हिमसेल्फ, इसलिए वह छोटा लड़का, वह छोटा बच्चा हमेशा खुद ही मच ऑफ द टाइम, ज़्यादातर यानी अधिकतर समय खुद अपने साथ ही खेला करता था, अकेला ही खेलता था, किसी के साथ नहीं खेलता था। ऑटो न्यूजीब्योर, ऑटो न्यूजीब्योर
द हिस्टोरियन ऑफ एंशंट मैथमेटिक्स, ये बहुत पहले टाइम के गणितज्ञ थे, प्राचीन मैथमेटिक्स के इतिहासकार थे। इन्होंने एक बार आइंस्टीन के बारे में एक बात कही, टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन दैट ही करेक्टराइज एज अ लीजेंड बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक। ये स्टोरी वैसे तो ऑथेंटिक लगती है, ठीक नहीं लगती, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है। तो कहते हैं, एज ही वॉज अ लेट टॉकर हिज पेरेंट्स वर वरीड, उसके पिता जैसे वह लेट टॉकर थे, उन्होंने बहुत लेट बोलना शुरू किया, लेट बात करनी शुरू करी, तो उसके पेरेंट्स इस बारे में चिंतित थे। कहानी ऑथेंटिक है, मतलब फेक नहीं है, बिलीवेबल है, ट्रू है। तो क्योंकि इन्होंने ये जो न्यूज़ ब्यूरो थे, इन्होंने काफ़ी कुछ इनके बारे में लिखा है, तो दूसरी बातें तो बिल्कुल सच साबित हुई है, तो ये भी सही मानी गई है। तो इसके माता पिता बहुत ज़्यादा चिंतित थे अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, क्योंकि ये बोलते नहीं थे। और फिर एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट, एक दिन सपर कहते हैं रात के खाने को, रात्रि भोज को, तो रात को सब लोग खाना खा रहे थे। ही ब्रोक ही साइलेंस टू से, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी और कहा, द सूप इज टू हॉट। आइंस्टीन ने कहा कि सूप बहुत गर्म है, ये इससे पहले कभी नहीं बोले थे, बिल्कुल चुप रहते थे। माँ बाप बड़े ही चिंतित थे, समझते थे कि हमारा बेटा गूंगा है, बोलता नहीं है। लेकिन अचानक एक दिन सब लोग बैठ के रात को खाना खा रहे थे, और ये खाना खाते खाते क्या बोलते हैं कि सूप बहुत गर्म है अचानक से। तो ग्रेटली रिलीव्ड, अब वो रिलीव हुए, माता पिता रिलैक्स हुए, उनको जान में जान आई, थोड़ी शांति उनके दिल को मिली कि खैर हमारा बेटा बोला तो है। तो रिलीव होकर, यानी बिल्कुल रिलैक्स होकर, खुश होकर, हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, खुश होकर उसके माता पिता ने कहा कि बेटा आपने आज तक इससे पहले कोई शब्द क्यों नहीं बोला, जब आपको बोलना आता है तो आपने इससे पहले क्यों नहीं बोला। अल्बर्ट रिप्लाइड, अल्बर्ट ने उत्तर दिया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, क्योंकि अब तक सब चीज़ ठीक थी, अब तक मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि सब चीज़ सही हो रही थी, सही टाइम पर हो रही थी और अच्छी तरह से हो रही थी, इसलिए मैंने कोई बोला नहीं। आज सूप बहुत गर्म है, तो इसलिए मैं बोल दिया हूँ कि सूप बहुत ज़्यादा गर्म है, ये पीने लायक नहीं है अभी, तो इसलिए मुझे बोलना पड़ा, वरना इससे पहले सारी चीज़ें सब ठीक ठीक हो रहा था, ठीक टाइम पर, ठीक तरीके से। तो ये उन्होंने कहा। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, उन्हें हमेशा मैकेनिकल टॉयज अच्छे लगते थे, खासकर मैकेनिकल टॉयज से वो जो है पसंद करते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सैड टू हैव सैड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, जब उसकी छोटी सी बहन हुई जिसका नाम माजा था, तो माजा को देखकर उसने कहा कि फाइन, अच्छी है, मगर इसके पहिए कहाँ हैं। अपनी छोटी बहन, एक न्यू बॉर्न सिस्टर इसकी हुई, तो उसको देखकर इस बच्चे ने कहा, जब आइंस्टीन छोटे बच्चे थे, कि फाइन, अच्छी है, मगर इसके व्हील्स कहाँ हैं, इसके पहिए कहाँ हैं, ये कहा उन्होंने। अब थर्ड पैराग्राफ, अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। एक हेडमास्टर ने कहा, स्कूल के एक हेडमास्टर पहले प्रिंसिपल को कहा करते थे, तो एक स्कूल के प्रिंसिपल ने अल्बर्ट के फादर से कहा कि आप इसके लिए कोई भी प्रोफेशन क्यों ना चुन लें, चाहे इसको आप कारपेंटर बना दें, आप इसको पेंटर बना दें, आप इसको टीचर बना दें, आप इसको जो चाहे बना दें, मगर ये बच्चा कामयाब नहीं हो सकता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई आप इसको कोई भी प्रोफेशन चाहे इसके लिए चुने, मगर उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो सकता। आपका बेटा किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं होगा, चाहे आप इसको कुछ ही बनाना सोच लें, इसको कुछ नहीं आता, ये बेकार है, ये किसी काम का नहीं। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन
एट द एज ऑफ सिक्स बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू. ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग हिज दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ. आइंस्टीन ने अपने बचपन में ही वायलिन बजाना सीख लिया था सिक्स ईयर्स की एज में. छः साल की उम्र में उन्होंने वायलिन बजाना सीख लिया था क्योंकि उनकी मदर ऐसा चाहती थी. उनकी मदर चाहती थी कि आप वायलिन बजाना सीखें और बाद में उन्होंने इसे वह एक गिफ्टेड एमेच्योर बन गए. यानी एमेच्योर ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कोई भी कार्य सिर्फ शौक के लिए करते हैं. जैसे इधर लिखा है एमेच्योर डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल इन्जॉयमेंट रादर दैन एज ए प्रोफेशन. हाँ बिल्कुल सही. एक ऐसा कार्य करना जो सिर्फ अपने इन्जॉयमेंट के लिए किया जाता हो, अपने शौक के लिए किया जाता हो, एज ए प्रोफेशन नहीं करना होता है. तो वो सिर्फ वायलिन बजाते थे सिर्फ इन्जॉयमेंट के लिए, खुद के शौक के लिए, खुद के आनंद के लिए, दूसरों के लिए नहीं. कभी उन्होंने इसे अपना प्रोफेशन नहीं बनाया और अपने इस स्किल को, अपने इस निपुणता को, अपने इस कौशल को मेंटेन रखने के लिए कि भूल ना जाऊं, वो जिंदगी भर इसे बजाते रहे वायलिन को थ्रू आउट हिज लाइफ. जिंदगी भर अपना वायलिन बजाते रहे. अब फॉर पैराग्राफ. बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल. लेकिन वह बुरा शिष्य नहीं था. प्यूपिल कहते हैं स्टूडेंट को, शिष्य को. यानी सीखने में इतना बुरा नहीं था, सीखने से बहुत अच्छे से आता था. ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक. जी हाँ, इसको अंडरलाइन आप कर लेंगे. ये म्यूनिक है, अ सिटी इन जर्मन. ये जर्मनी की एक शहर है, आज भी है. तो ये म्यूनिक के हाई स्कूल में गए. वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट. आइंस्टीन को म्यूनिक के एक शहर में भेजा गया, म्यूनिक के एक स्कूल में भेजा गया हाई स्कूल तक पढ़ने के लिए, जहां आइंस्टीन की फैमिली तब चली गई थी जब ये 15 महीने के थे. तब से इनके फैमिली म्यूनिक में जाकर बस गई थी और इनको वहीं के एक हाई स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया. और इन्होंने वहाँ प्रत्येक सब्जेक्ट में लगभग ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट तो लगभग हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स गैदर किए. आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स. आइंस्टीन नफरत करता था स्कूल के रेजिमेंटेशन से, यानी स्कूल के मैनेजमेंट से. रेजिमेंटेशन यानी वहाँ का जो उनके कार्य करने के तरीके थे, जैसे ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन एंड एक्सट्रीम. वहाँ के ऑर्डर, वहाँ के नियम कायदे कानून और वहाँ के डिसिप्लिन, तो इन सब से उसे नफरत थी, उसे अच्छा नहीं लगता था. एंड ऑफन क्लैश्ड विद देयर. और वहाँ हमेशा क्लैश करता था, उलझा रहता था, कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता था आइंस्टीन और टीचर्स के बीच में. हमेशा एक विवाद हो जाता था, क्लैश, एक क्लैशिंग होती थी हमेशा, कभी उनकी आपस में नहीं बनती थी. ओके. एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही फेल्ट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड. 15 साल की उम्र में आइंस्टीन वहाँ इतना स्टिफल्ड हो गया, इतना सफोकेट हो गया, यानी घुटने लग गया, उसका दम वहाँ घुटने लगा. उसे एक मिनट भी वहाँ रहना गवारा नहीं था. स्टिफल्ड मीन्स अनेबल टू ब्रीथ, सफोकेटेड. सांस लेना भारी हो गया उसके लिए वहाँ पे. और दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड. और उसने अपने भले के लिए वो स्कूल तुरंत छोड़ दिया. फिफ्थ. द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स. द प्रीवियस ईयर यानी पिछले ही साल अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव. जब अल्बर्ट ने वह स्कूल छोड़ा तो उसके पिछले ही साल यानी उससे एक साल पहले ही अल्बर्ट के पेरेंट्स वहाँ से मिलान सिटी में चले गए थे. ये भी जर्मन का एक शहर है. अब वो म्यूनिक को छोड़कर मिलान में चले गए हैं. मिलान या मिलन जो भी इसको कहो, दोनों ठीक है. तो अब वो मिलन में चले गए हैं और उन्होंने अपने बेटे को, जिससे कि उसकी पढ़ाई बाधित ना हो, अपने रिश्तेदारों के साथ म्यूनिक में ही छोड़ दिया है. क्योंकि वो म्यूनिक में पढ़ता था स्कूल में, इसलिए वहीं पर छोड़ दिया था और खुद वो लोग मिलान चले गए थे, पेरेंट्स और उसके सिस्टर.
आफ्टर प्रोलोंग्ड डिस्कशन, प्रोलोंग्ड कहते हैं एक ऐसी चीज़ दैट हैज़ बिन कंटिन्यूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो बहुत लंबे समय तक चलती है, दैट लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय तक ठहरता है, प्रोलोंग्ड यानी लंबे समय से चल रहा, बहुत दिनों से चल रहा, आफ्टर प्रोलोंग्ड डिस्कशन यानी लंबे समय से चल रहे डिस्कशन के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन ए सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिख। क्या हुआ कि लंबे टाइम से चल रहे डिस्कशन के बाद आइंस्टीन को अपनी इच्छा कंटिन्यू रखने के लिए अपनी एजुकेशन को, उनकी इच्छा पूरी हुई, यानी अब अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते थे जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड के एक स्कूल में, जहाँ पर जर्मन भाषा बोली जाती थी, क्योंकि वो जर्मन थे, उन्हें वही पसंद थी। अब उनकी यह इच्छा पूरी हो चुकी थी, अब उन्हें वहाँ पर एडमिशन मिल गया था, और वो शहर कैसा था, इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिख, जो म्यूनिख से ज़्यादा लिबरल था, म्यूनिख से ज़्यादा स्वतंत्र था, वहाँ सब लोग एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते थे, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते थे। तो लिबरल देख लेते हैं, विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर ओपिनियंस, एक दूसरे को समझने की कला और दूसरों की रिस्पेक्ट, दूसरे के विचारों, दूसरे की ओपिनियंस का रिस्पेक्ट करना। तो यही है कि म्यूनिख से ज़्यादा अच्छा शहर था, म्यूनिख से ज़्यादा लिबरल था, लोग एक दूसरे की कदर करते थे, उनकी भावनाओं की, उनके विचारों की। अब सिक्स्थ पैराग्राफ, आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। आइंस्टीन मैथमेटिक्स में उनको हाईली गिफ्टेड थे, यानी कुदरत की तरफ से उनको यह उपहार मिला था कि मैथमेटिक्स में बड़ा ही इंटरेस्ट था और बहुत ही माइंडेड भी थे मैथमेटिक्स में। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और साथ ही साथ उनको फिजिक्स में भी इंटरेस्ट था। मैथमेटिक्स तो उन्हें भगवान की तरफ से मिला था, और साथ ही साथ फिजिक्स में भी उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल ख़त्म करने के बाद, यानी 12th क्लास तक स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, उन्होंने ज्यूरिख के एक विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन यानी एडमिट होने का निश्चय किया, आगे की स्टडी करने का निश्चय किया। ज्यूरिख, अभी तीन कंट्रीज हमारे सामने बेटा आ चुके हैं, आपको याद रखना है, नंबर एक म्यूनिख सिटी जहाँ पे रहते थे, जहाँ इनका जन्म हुआ था, फिर उसके बाद ये चले गए मिलान, नहीं इनका जन्म तो हुआ था उल्म के एक शहर में, ULM उल्म, ये उल्म के एक शहर में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद उसकी फैमिली सहित अल्बर्ट आइंस्टीन को लेकर उसके पेरेंट्स और उसके सिस्टर कहाँ पर चले गए, म्यूनिख में, जहाँ पर उन्होंने हाई स्कूल तक पढ़ाई की। उसके बाद वे कहाँ चले गए बोलिएगा, मिलान सिटी में, और मिलान सिटी के बाद फिर ये कहाँ आगे पढ़ने की बात कर रहे हैं, ज्यूरिख में। तो म्यूनिख, ज्यूरिख, मिलान और उल्म, ये चार शहर आपको याद रखने हैं, ये एग्ज़ाम में आ जाया करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक आ जाता है इनका, तो एक दो नंबर का आ जाएगा। बट साइंस वॉजन्ट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस माउथटेक, लेकिन साइंस एकमात्र एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो उस बड़ी बड़ी मूछों वाले सुंदर से दिखने वाले लड़के को आकर्षित करे, एक साइंस ही ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो उसको अपील कर सके, उसको आकर्षक लगे कि सिर्फ साइंस में ही इंटरेस्ट है, उसका और सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट था, जो आकर्षक कर सके उस वालरस यानी बड़ी बड़ी माउस्टेक मूछों, बड़ी बड़ी मूछों वाले उस डैशिंग यानी सुंदर से दिखने वाले लड़के के लिए को जो आकर्षित कर सके, एक साइंस ही सब्जेक्ट नहीं था। तो ये देखिएगा, आइंस्टीन इन 1900 एट द एज ऑफ 21, ये 21 साल की उम्र में, एंड आइंस्टीन इन 1955 एज वी रिमेंबर हिम नाउ, जैसा कि आज हम उसको सब जानते हैं, इन 1955। तैन आगे, तो ये तो टाइम ज़्यादा हो सकता है बेटा, आज आपको इतना ही करना है, कल लाइव क्लास होनी है आप लोगों की, कल बाकी लाइव क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, आज के लिए इजाज़त दें मुझे।
इसी लेसन को ध्यान से पढ़ेंगे, जितना मैंने पढ़ा है इसको अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो लाइव क्लास में आपकी कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। और टेट विन पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुझे एनरोलमेंट भेजे, रिक्वेस्ट भेजे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट हो। अभी तक मुझे 35 रिक्वेस्ट आ चुकी है टेट विन पे, बट उन 35 में से सिर्फ कोई 7 or 8 स्टूडेंट्स ही ऑनलाइन आते हैं। सो टाइम याद रखें और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड बी केयरफुल।